हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले यूडासिटी के टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप यूडासिटी की नैनो डिग्री है उसके कोर्सेज फ्री में एसेस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको नैनो डिग्री का एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाने वाला है यूडासिटी की तरफ से। दोस्तों लेट मी टेल यू गाइस, यूडासिटी का जो प्लेटफॉर्म है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। यहाँ पर हमें टॉप नॉच का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही सभी कोर्सेज में हमें डिटेल एंड डीप नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूडासिटी का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर हमें डाटा साइंस, प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोनोमस सिस्टम एंड बिजनेस, ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, इस फील्ड के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इसके जो कोर्सेज की प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, 75K to 1 lakh तक के इसके कोर्स की प्राइस होती है। दोस्तों मैं आपको एक कोर्स की प्राइस दिखा देता हूँ। जैसे एक कोर्स है डाटा साइंस एंड एल्गोरिथम, तो इसकी प्राइस 77,000 है नियर अबाउट। 4 month का कोर्स का प्राइस आपको 77,000 पे करनी पड़ती है। तो आप समझ ही सकते हो कि इसका कंटेंट कितना ज्यादा यूजफुल होने वाला है, कितना डिटेल्ड होने वाला है एंड कितना टॉप नॉच का होने वाला है। दोस्तों इंटरनेट पे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिसके कोर्स 1 से 2 hour तक के रेंज करते हैं, 1-2 hour में या 1 week में ज्यादा से ज्यादा कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन यूडासिटी के जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, 4 to 6 month आपको एक कोर्स कंप्लीट करने में लग जाता है। दोस्तों इंडस्ट्री में जो यूडासिटी के कोर्सेज की वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो एंड इसका सर्टिफिकेट ले लेते हो तो आपको जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है इस सर्टिफिकेट के थ्रू। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पे। साथ ही साथ आप मेरे चैनल का कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कि मैंने कैसे वीडियोस पोस्ट किए। एंड अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब सीकर हो तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, देख लेते हैं टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा वेब पेज अपीयर हो जाएगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अर्न अ स्कॉलरशिप टू लर्न इन डिमांड डाटा AI एंड क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स। अगर आप इस स्कॉलरशिप में पास हो जाते हो तो आपको डाटा AI एंड क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स के जो कोर्सेस है नैनो डिग्री से बेसिकली वो आपको टोटली फ्री में मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे हमें अप्लाई नाउ का बटन मिल जाता है, हम जैसे ही अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा वेब पेज अपीयर हो जाता है, वेलकम टू द यूडासिटी टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम अप्लीकेशन। तो ये अप्लीकेशन है, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। हम जैसे ही अप्लीकेशन फिल कर देते हैं तो हम स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर हो जाते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कौन से डिटेल्स पूछी जाएंगी। जैसे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है तो हमें यहाँ पे एडिट पे जाना है और हमें अपनी बैकग्राउंड डिटेल्स डाल देनी है, बेसिक डिटेल्स डाल देनी है, अपना नाम वगैरह वो सब डिटेल्स हमें यहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रीक्वालिफाइड नॉलेज, तो हमें नॉलेज बताना है अपना कि हमको कौन सा कितना नॉलेज है। डिस्क्राइब योर लेवल ऑफ फैमिलियरिटी विद पाइथन, तो आपको पाइथन कितना आता है वो लेवल सेलेक्ट कर सकते हो आप। साथ ही साथ नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन एनी लैंग्वेज, ये सिलेक्ट कर देना है। साथ ही साथ ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है योर गोल्स, तो आपके गोल्स के बारे में बताना है इसमें। व्हाट इज योर प्राइमरी पर्पज इन पार्टिसिपेटिंग इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो आप क्या करना चाहते हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू फील्ड में, अपनी स्किल ग्रो करना चाहते हैं या एकेडमिक टू इंडस्ट्री में मूव होना चाहते हैं, एडवांस डिग्री के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप इस प्रोग्राम के लिए कितना टाइम दे सकते हैं पर वीक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है एडिशनल क्वेश्चन, तो आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ये सब फिल कर देते हो एंड सेव सबमिट करते हो तो आप इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हो जाओगे। दोस्तों अगर आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाते हो तो आप क्लाउड ट्रैक, डाटा ट्रैक, AI ट्रैक, ये आपको 3 courses की ऑप्शन मिल जाता है। आप तीनों कोर्सेज में कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो और उसको चूज कर सकते हो, उसकी नैनो डिग्री कर सकते हो। ये जो स्कॉलरशिप है 3 phase में कंप्लीट की जाएंगी। आप सभी अगर स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो 15,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें चैलेंज कोर्सेज होंगे, सेल्फ पेस कोर्स होगा ये 3.5 month का एंड आपको 3 to 5 hours ऑफ स्टडी पर वीक लगानी पड़ेंगे। आपको हर वीक में 3 to 5 hours देने होंगे इस चैलेंज के लिए। दोस्तों अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, अगर आप उसे अच्छे से कर लेते हो तो आप नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। अब देख लेते हैं कि हम कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहिए हमें और हमें इसमें कौन सा नॉलेज मिलने वाला है। अगर हम क्लाउड ट्रैक सिलेक्ट करते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन टू अजोर एप्लीकेशन सिखाया जाएगा, एक्सपांड योर नॉलेज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट अजोर एप्लीकेशन, एक्सप्लोर टूल्स एंड सर्विस ऑफर्ड बाय अजोर क्लाउड सर्विस थ्रू इंटरेक्टिव हैंड्स ऑन एक्सरसाइज, तो ये सब आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। अब प्री रिक्वेसाइट्स क्या है, हमें क्या क्या नॉलेज पहले से होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन स्क्रिप्टिंग बैकएंड एप्लीकेशन इन पाइथन, यूज माई SQL और SQL सर्वर टू स्टोर एंड क्वेरी डाटा, यूज गिट टू पुल एंड पुश कोड, तो ये सब आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए तभी आप इसमें क्लाउड ट्रैक में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डाटा ट्रैक में अप्लाई करते हो तो आपको सिखाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडवांस एनालिटिक्स,
गेट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एडवांस एनालिटिक्स एंड लर्न द बेसिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क एनालिटिकल मेथड्स एंड लिनियर रिग्रेशन दैट अलाउ यूजर टू एफिशिएंटली अप्लाई डाटा एनालिसिस टू बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सब आपको इसमें सिखाया जाएगा और प्री रिक्वेस्ट क्या नॉलेज चाहिए आपको वो देख लेते हैं। कुछ भी नॉलेज नहीं चाहिए पहले से, सिर्फ आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए, एक्सेल वगैरह यूज करना आना चाहिए, बेसिक स्टैटिस्टिक एंड अल्जेब्रा का नॉलेज आना चाहिए, तो आप इसमें फ्री में कर सकते हो। अब एआई ट्रैक में अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इंट्रोडक्शन टू एआई इन बिजनेस आपको सिखाया जाएगा, आपको एआई एंड एमएल बिजनेस में कैसे यूज करते हैं वो सिखाया जाएगा। और इसके लिए भी कोई भी प्री रिक्वेस्ट नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स अगर आपको आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डाटा ट्रैक एंड एआई के लिए आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी आती है तो भी आप इन दोनों में अप्लाई करते हो कर सकते हो। एंड अगर क्लाउड ट्रैक में आपको अप्लाई करना है तो आपको ये सब नॉलेज पहले से होना चाहिए, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अगर आप ये सब बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। 1600 यूजर सिलेक्ट होंगे नैनो डिग्री के कोर्सेज के लिए। आप देख सकते हैं 15,000 में से 1600 सीट शॉर्टलिस्ट की जाएंगी, उन्हें ही नैनो डिग्री का फ्री कोर्सेज एंड फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 1600 स्टूडेंट फ्रॉम द इनिशियल चैलेंज कोर्स विल अर्न अ स्कॉलरशिप फॉर अ फुल नैनो डिग्री प्रोग्राम इन देयर चूजन ट्रैक। तो जो अपन ट्रैक चूज करते हैं उसमें से 1600 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा इनिशियल चैलेंज के बेसिस पे, और उन्हें नैनो डिग्री का प्रोग्राम एंड उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप डेवलपर फॉर माइक्रोसॉफ्ट अजर नैनो डिग्री प्रोग्राम ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्रेडिक्टिव एनालिसिस फॉर बिजनेस नैनो डिग्री प्रोग्राम, एआई प्रोडक्ट मैनेजर नैनो डिग्री प्रोग्राम, इस तरह से आपको नैनो डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप पास कर लेते हो सभी स्टेप्स। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। स्कॉलरशिप टाइमलाइन, अप्लीकेशन फेज स्टार्ट होगा 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, यानी 16 नवंबर तक के चलने वाला है। तो आपके पास अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है, 15 डेज है, तो आप अप्लाई कर सकते हो जल्दी से जल्दी। और नेक्स्ट आता है चैलेंज कोर्स स्टार्ट। तो आपका जो चैलेंज कोर्स होने वाला है, अगर आपका अप्लीकेशन पास हो जाता है तो आपको चैलेंज कोर्स में भेज दिया जाएगा। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा दिसंबर 3 से स्टार्ट होगा वो मार्च 15 तक के, तो 3 मंथ्स का ये स्पैन होने वाला है आपके लिए। एंड थर्ड आ जाता है नैनो डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट। तो नैनो डिग्री का जो प्रोग्राम है, जो 1600 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, वो स्टार्ट होगा मार्च 25, 2021 से सितंबर 24 to 2021। तो 6 मंथ का ये टेन्योर होने वाला है नैनो डिग्री प्रोग्राम का। 6 मंथ में आपको कोर्स कंप्लीट करना होगा और इसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर यूडासिटी की तरफ से नैनो डिग्री का। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो मेरी इंस्टा आईडी भी दी गई है, ईमेल आईडी भी दी गई है, आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। या तो एफएक्यू का सेक्शन है यहाँ पे इस वेबसाइट पे भी, आप वहां से भी देख सकते हैं। हु कैन अप्लाई, अगर आपकी एज 18 के ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एआई डाटा और क्लाउड स्किल सेट का नॉलेज एक्सपांड करना है तो भी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। आपको 3 to 5 आवर्स पर वीक इन्वेस्ट करना होगा इस प्रोग्राम में, तभी आप नैनो डिग्री प्रोग्राम कर सकते हो। व्हाट आर प्री रिक्वेस्ट, आपको पहले से कौन सा नॉलेज चाहिए इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, प्रोग्राम में नहीं बेसिकली कोर्स में अप्लाई करने के लिए। अगर आप क्लाउड ट्रैकिंग का कोर्स सिलेक्ट करते हो तो आपको 1 to 3 ईयर का पहले से पाइथन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप कंफर्टेबल होना चाहिए MySQL, SQL सर्वर स्टोर डाटा करने के लिए, क्वेरी डाटा एंड यूजिंग गिट टू पुल एंड पुश कोड। तो ये सब आपको नॉलेज पहले से चाहिए अगर आप क्लाउड ट्रैकिंग कोर्स में अप्लाई करते हो। तो अगर आप डाटा ट्रैक या AI ट्रैक में अप्लाई करते हो तो आपको कोई बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बस कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए जो बेसिक्स होती है बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ये बहुत ही ऑसम अपॉर्चुनिटी है जिससे हम यूडासिटी का फ्री नैनो डिग्री कर सकते हैं, यूडासिटी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।